माँ और बेटी की मोहब्बत को पेश करता हुआ देख सकते हैं आप इस टावर को। हम एक बार फिर से ठीक से एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजाजी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, दिस इज अली, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अली सर व्लॉग्स में। जिस तरीके से आप जानते हैं हम अकोला को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आज हम मौजूद हैं अकोला के मशहूर और यहाँ का लैंडमार्क खंडेलवाल टावर। देख सकते हैं आप पीछे इसका टावर का नज़ारा। यहाँ पर एक स्टैचू बनाया गया है जो माँ और बेटी की मोहब्बत को पेश करता हुआ देख सकते हैं आप इस टावर को। हम एक बार फिर से ठीक से एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपके समझ में आ जाए। काफ़ी खूबसूरत है, ये बहुत प्यारा है। एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि अकोला की दिल की धड़कन है। यहाँ से लोग अपना जो है वक्त देख लेते हैं, अपनी घड़ियाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस, ये वैसे ही इनके समझ में आ जाता है क्योंकि अभी तक ये कभी बंद नहीं हुआ है। ये दो बार भी इसे बंद किया हुआ था तो इसको ठीक से सुधार दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा 1942 में इसका फाउंडेशन रखा गया था और 1960 के अंदर ये तैयार होकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था और इसे जवाहरलाल नेहरू जी के हाथों इसे इनॉग्रेट किया गया था। तो ये था हमारा खंडेलवाल टावर जो अकोला में मौजूद है। इसी को लग के अभी नया फ्लाईओवर भी बनाया गया है, देख सकते हैं आप, फ्लाईओवर का नया काम चल रहा है यहाँ पे। और ये स्टैचू मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा स्टैचू है ये। तो गाइस हम अकोला को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अकोला की शुरुआत हमने की थी इस बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे टावर से। इस टावर को 15 अगस्त को जो है बहुत अच्छे से तिरंगे सजाया गया था। मैं मेरे वीडियो के अंदर वो क्लिप भी ज़रूर डालूंगा जो हमने अमृत महोत्सव 75 ईयर्स हमारे कम्प्लीट हुए थे आज़ादी के, तो हमने किस तरीके से हमारे हिस्टोरिकल चीज़ों को तिरंगे से सजाया था, उसी तरीके से इस खंडेलवाल टावर को भी तिरंगे सजाया गया था। वो क्लिप भी मैंने ली थी, वो क्लिप भी मैं इसके अंदर डालूंगा, आप वो देखें, इंजॉय करें। तो हाँ गाइस, जिस तरह से आप जानते हैं कि हम लोग अकोला में हैं तो हम फ्लाईओवर के ऊपर हैं। अभी भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी फ्लाईओवर के ऊपर हम मौजूद हैं और यहाँ से हम खंडेलवाल टावर को एक्सप्लोर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। आपको नज़ारा बताना चाहूँगा, बहुत प्यारा नज़ारा है गाइस। इस व्यू को देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, बहुत प्यारा व्यू है खंडेलवाल टावर। यहाँ से सिटी को आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है, पूरी सिटी नज़र आती हुई यहाँ से। वो सामने अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पर स्टेडियम है, ये अकोला क्रिकेट एसोसिएशन का ये स्टेडियम, और यहाँ पर सभी टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। ज़्यादातर क्रिकेट को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है क्योंकि क्रिकेट का काफ़ी अच्छे पिचेस और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। देख सकते हैं आप खंडेलवाल टावर, काफ़ी प्यारा टावर है गाइस, आप यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। इसी के सामने अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ का डेपो है, यहाँ पर आपको बसेस मिल जाएंगी, लगभग सभी सिटीज़ की यहाँ पे बसेस आपको आराम से मिल जाएगी, आप यहाँ पर आ सकते हो। ये देख सकते हैं खंडेलवाल टावर, काफ़ी खूबसूरत। और इसकी चाबी की हम बात करें, इसकी की कब राउंड की जाती है तो हर 8 दिन के अंदर इसकी चाबी को घुमाया जाता है, और इस चाबी को घुमाने के बाद इसकी चाबी भरी जाती है हर 8 दिन के अंदर। देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा फ्लटवे होते हुआ देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्यारा, काफ़ी मनमोहक नज़ारा यहाँ से नज़र आता है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं थोड़ा सा आपको ड्रोन व्यू दूंगा यहाँ पर जल्दी से, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है इस कारण से मैं ज़्यादातर नहीं रुक पाऊँगा यहाँ पे। गाइस बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, सिटी का नज़ारा आप ले सकते हैं, बहुत प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर रुकने के लिए मना किया गया है, रुक नहीं सकते हम ज़्यादातर यहाँ पे, कि हम लोग आगे जा रहे हैं अभी, और थोड़ा सा आपको मैं और ज़रा ड्रोन व्यू दे दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये चीज़ें क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।